Hi guys, this is Tauqeer Alam here. Today we are going to learn about has been with noun. Friends, इस spoken का topic है और बहुत दिलचस्प topic है. हमें अपने daily life में ऐसे sentences बोलने पड़ते हैं जहां हम have been या has been with noun का use करते हैं. तो चलिए देखें friends कि आप इसको कैसे use कर सकते हैं. Friends, कई बार हमें अपने life में कहना होता है कि मैं गुजरे हुए वक्त में यानी पास्ट में कोई चीज रह चुका हूं लेकिन अब वो चीज नहीं हूं. जैसे कई बार आप सुनते होंगे लोग कहते हैं मैं उस स्कूल में प्रिंसिपल रह चुका हूं. यानी कहने का मतलब है कि गुजरे हुए वक्त में मैं प्रिंसिपल रह चुका हूं, अभी मैं प्रिंसिपल नहीं हूं. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि वह एक डॉक्टर रह चुका है, बातों से पता चला कि गुजरे हुए वक्त में यानी पास्ट में वह एक डॉक्टर था बट अभी वो डॉक्टर नहीं है. तो फ्रेंड्स, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो जहां आप कहना चाहते हैं कि गुजरे हुए समय में मैं कुछ रह चुका हूं जो अभी नहीं हूं, तो आप हैव बीन या हैज बीन के साथ नाउन का यूज करते हैं. कई बार उस नाउन के साथ प्रीपोजिशन भी आता है. कैसे आता है, चलिए इस बात को बेहतर तरीके से एग्जाम्पल में समझें. मैं एक डॉक्टर रह चुका हूं, यानी फ्रेंड्स बातों से पता चला कि अभी मैं डॉक्टर नहीं हूं बट गुजरे हुए टाइम में मैं एक डॉक्टर था. मैं एक डॉक्टर रह चुका हूं और इसका ट्रांसलेशन होगा फ्रेंड्स आई हैव बीन अ डॉक्टर. यहां मैंने रह चुका हूं के लिए यूज किया हैव बीन. और अगर आप सोच रहे हैं कि यह कैसे ट्रांसलेट हुआ, तो मैं आपको पहले ट्रिक बता चुका हूं फ्रेंड्स कि जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे और ये कंप्लीट हो चुका है. मैं एक प्रिंसिपल रह चुका हूं. फ्रेंड्स, बातों से पता चला कि अभी मैं प्रिंसिपल नहीं हूं बट अपने गुजरे हुए वक्त में यानी पास्ट में मैं एक प्रिंसिपल था. कैसे इसको अंग्रेजी में बोलना है आइए सीखते हैं. मैं यानी आई, पीछे आइए, रह चुका हूं मतलब हैव बीन, आगे लिखा है एक प्रिंसिपल. मैं एक प्रधानाचार्य रह चुका हूं, आई हैव बीन अ प्रिंसिपल. फ्रेंड्स, यहां हैव बीन की यूज से कि गुजरे हुए वक्त में मैं प्रिंसिपल रह चुका हूं जो अब नहीं हूं, वह यूएसए जा चुकी है. फ्रेंड्स, आमतौर पर इसका ट्रांसलेशन आप ऐसे करते हैं She has gone to USA. लेकिन फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं She has been to USA. यानी आप has gone के जगह पर has been का भी यूज कर सकते हैं बट दोनों में फर्क है जो आपको समझना होगा. फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे has been, She has been to USA, तो इसका मतलब यह हुआ वह USA रह चुकी है, यानी अभी वह यूएसए में नहीं है, गुजरे हुए टाइम में पास्ट में वह वहां रह चुकी है. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे शी हैज गॉन टू यूएसए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह यूएसए के लिए जा चुकी है, मे बी वह रास्ता में हो या वह वहां पर पहुंच गई हो. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं अब आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहा होगा. She has been to USA, वह USA में रह चुकी है, यानी अभी वो वहां नहीं है, अभी वो आपके सामने है. She has been to USA, वह USA में रह चुकी है, यानी अभी वह वहां पर नहीं है. वह एक उस्ताद रह चुका है, यानी वह एक अध्यापक रह चुका है. तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे He has been a teacher, आप has been का यूज करेंगे क्योंकि बातों से पता चला कि वह गुजरे हुए वक्त में एक अध्यापक रह चुका है, वह अभी कोई अध्यापक नहीं है. तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो जहां आप कहना चाहते हैं कि मैं गुजरे हुए वक्त में कुछ रह चुका हूं जो अब नहीं हूं, तो आप हैव बीन या हैज बीन का यूज करेंगे. मैं एक फौजी रह चुका हूं, आई हैव बीन अ सोल्जर. आप एक विद्यार्थी रह चुके हैं, You have been a student. वे लोग नौकर रह चुके हैं, They have been servants. मैं आपका दोस्त रह चुका हूं, I have been your friend. तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि यहां आपको have been का यूज समझ में आया.
कि आप स्पोकन इंग्लिश में हैव बीन और हैज बीन को कैसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए फ्रेंड्स, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।